ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है पूरी तरीके क्षतिग्रस्त कर दी गई है। हम लोगों में बड़ा आक्रोश है, यहाँ हम लोग अगर उसका नाम जान पाते तो अभी हम लोग कुछ कर देते उसके लिए। ये मनभर मनवादी लोग अभी सुधर नहीं रहे, आए दिन ऐसी घटना हो रही है। सन के प्रति लोगों के दिल में डर नहीं है, लोगों के दिल में अगर डर होता तो आप। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ लाइव। इस वक्त मौजूद हम आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र में, एक यहां पर मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है यह गांव जो पड़ता है यह टहर कृष्णदेवपुर पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से, एक बार तस्वीर दिखाइए, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है पूरी तरीके क्षतिग्रस्त कर दी गई है। अब ये क्षतिग्रस्त कैसे हुई अभी तक इस मामले का पता नहीं चल पाया है, या किसी अराजक तत्वों का काम लग रहा है कि ये जो उनका फेस है पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है। और यह घटना बताई जा रही आज ही हुई है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है। और आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैसे घटना हुई है। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं विजय कुमार जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद आजमगढ़। सर आप यहाँ पे आए हैं, आप देखे हैं मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे क्या हुआ है। देखिए ऐसा, सुबह करीब 8 बजे ये सूचना मिली कि पाती गांव एक बगल में है और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई है। सूचना मिली और हम लोग सभी बहुजन समाज पार्टी जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं सभी लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखिए उपस्थित हमारे पी आर ओ साहब हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष चंद जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमलेश राजभर जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ आदमी डॉक्टर केदारनाथ यादव जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पलटन राम जी हैं, विधानसभा प्रभारी श्री राम राजभर जी हैं, विधानसभा प्रभारी राजमणि गौतम जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संजय कुमार जी हैं और हमारे राजेंद्र प्रसाद पांडे जी हैं, इरशाद अहमद जी हैं और सभी साथी बहुजन समाज पार्टी के, हमारे लालगंज लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रही डॉक्टर इंदु चौधरी जी भी आ गई हैं और सभी लोग, यह गांव के वासी सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और ये सूचना मिली है कि रात में किसी ने, अज्ञात लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को चेहरे पर हथौड़ी से चाहे जैसे भी किसी मार्ग तोड़ दिया है। तो हमारी मांग है केवल कि हम लोग स्वाधीनता से बैठे हैं कि हमारी, हमारे अरौला के जसो साहब भी बैठे यहाँ पर हैं, प्रशासन से हमारी मांग है कि अगर अज्ञात में तारीफ दी जा रही है तो उसको अविलंब जाँच करके कि किसने तोड़ा, किसने गलती किया है, भाईचारा बिगाड़ना चाहता है उसको अविलंब गिरफ्तार करने की, उसको कार्रवाई करने की जल्दी से जल्दी भी कृपा करें। तो अभी आप जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि रात में जो मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है, अभी मूर्ति क्षतिग्रस्त कैसे इसका मामला जो पूरा है वो पता नहीं चल पाया, कैसे घटना हुई है, कौन किया है, इसके बारे में जाँच पड़ताल अभी जारी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जाँच पड़ताल कर रही है और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद, इनसे भी बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं कमलेश राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जो घटना हुई है कब, इसके बारे में आपको जानकारी हुई? सुबह 8 बजे ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि बाबा साहब की मूर्ति धनी एक डोबे में टूटी है और यहाँ टहर किशनदेवपुर में टूटी है। तो हम लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और यहाँ पर देखे कि बाबा साहब की मूर्ति अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई। ये एक साथ दो मूर्तियों को टूटना क्या लग रहा है आपको, ऐसा कोई? ये सामाजिक सौहार्द भाईचारा बिगाड़ने की साजिश है। ये कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि ऐसा कृत्य बहुत घिनौना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को बेहतर संविधान दिया कि सभी लोग एक समान दृष्टि से जिए, समान विचारधारा से रहें, भाईचारा समाज में पैदा करें, उसको बिगाड़ने की ये साजिश है कि एक जाति उन्माद समाज में फैले, एक व्यक्तिगत विरोध फैले, एक समानता बिगड़े, भाईचारा बिगड़े। इसके खिलाफ मैं हूँ, इसकी निंदा करता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ कि ऐसा कृत्य कभी ना हो। मैं भाई थाना अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भाई मैं पुलिस टीम से बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ हमारे यशो साहब सुबह से दोनों जगह बेचारे डटे हुए हैं, पता नहीं चाय पानी लिए हैं कि नहीं लिए हैं, किस दशा में हैं, लेकिन वो संजीदगी से यहाँ हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। अपने परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र भारती है, मैं लोक गायक हूँ जी। आप यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी है, एक साथ दो मूर्ति का टूटना, इसके बारे में क्या कहना? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आज सुबह में मुझे पता चला कि एक यहाँ पे और एक और आगे, इसके दो जगह पांती में कुछ अज्ञात लोगों ने रात में बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दी। तो
ये इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हाथापाई प्रवृत्ति के लोग हैं, तो मैं सरकार से और प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि उनके ऊपर पहली बात उनके पता लगा करके उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि समाज में इस तरह से कुकृत्य ना कर। अभी आप लोग किस मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? हम लोगों की मांग ये है कि बाबा साहब की जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है उसको नई मूर्ति लगाया जाए। प्रशासन जब तो प्रशासन क्या कह रहा है लगवाने के लिए? अभी लोग गए हैं मूर्ति लेने के लिए, दो मूर्तियाँ शायद आ रही हैं, तो प्रशासन है, अब हम लोग भी हैं, जब तक लग नहीं जाएगी हम लोग डटे रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों का साफ कहना है कि यहाँ की जो मूर्ति टूट गई है, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन का कहना है कि हम मूर्तियाँ नई मंगवा करके यहाँ पर जो मूर्ति है नई लगवाएंगे और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब तक मूर्ति यहाँ पर नई लग नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से बैठे रहेंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। इरशाद अहमद, विधानसभा पूर्व सचिव अतरौलिया जी। आप लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा कि आपको घटना के बारे में जानकारी हो चुकी होगी कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दी गया, कैसे हुआ कुछ इसके बारे में आपको जानकारी? जी हम सुबह हमको सूचना मिली बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और हम लोग सुने तो पूरे विधानसभा के जितने कार्यकर्ता थे दोनों जगह हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों की यही मांग है कि सबसे पहले जो है जो अराजक तत्व जो है इसको क्षतिग्रस्त किए हैं बाबा साहब की मूर्ति को, उसको जो है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और मूर्ति जल्द से जल्द लगवाई जाए। अक्सर करके देखा जाता है ये हर गांव में लगभग ऐसे घटनाएं हमेशा सुनने को आती हैं, क्या क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब बाबा साहब की एक पत्थर की मूर्ति को जो है लोग इतना जो है क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं, देख रहे हैं, जब एक गिरी निगाह से देख रहे हैं तो बाबा साहब की मूर्ति और बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं वो सबके लिए बनाए हैं और आज जो हम बोल रहे हैं बाबा साहब की देन है, जो हमारी माताएं बहनें जो पढ़ लिख रही हैं वो बाबा साहब की देन है, आज जो आप जो मीडिया चैनल के भाई हैं जो आज बाबा साहब की देन है कि आप लोग जगह जगह घूम कर स्वतंत्र होकर के जो एक सबसे डिबेट ले रहे हैं बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब की जो अराजक तत्व ने जो ऐसा किया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, मेरी प्रशासन से मांग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। राजीव कुमार राजू, समाज से हुई है। आज यहाँ पे आए आप देख सकते हैं मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई, इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ कुछ अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई बाबा साहब की, हम लोगों में बड़ा आक्रोश है। यहाँ हम लोग अगर उसका नाम जान पाते तो अभी हम लोग कुछ कर देते उसके लिए, लेकिन यहाँ जो है आपसी भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं कुछ अराजक तत्वों द्वारा। प्रशासन को चाहिए कि उनको पकड़कर जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। जैसे देख सकते हैं आप, एक साथ दो मूर्तियों का टूटना दो गांवों में क्या लगा है? इस तरह जैसे प्रशासन की घोर लापरवाही है, मैं तो यही कहूँगा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी इस तरह के अराजक तत्व घूम रहे हैं जिन्हें कोई कार्रवाई जिनके ऊपर नहीं हो रही। अक्सर देखा जाता है ये जो घटनाएं हो रही हैं अक्सर होती रहती हैं ये घटनाएं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हमारे युग पुरुष ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने इतने बड़े संविधान की रचना किया और रचना करके इस देश को अमन चैन शांति कायम करने का काम किया, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे अराजक तत्व तो हैं, कुछ ऐसे मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं कि आए दिन आपसी भाईचारा को बिगाड़ते रहते हैं, तो कुछ नहीं कर पाते तो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ देते हैं। सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम संजय कुमार, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अतरौलिया। आज यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं घटना के बारे में जानकारी? आज हम यहाँ नहीं हैं, हमारा गांव ही है जी, क्योंकि हम लखनऊ गए थे, लखनऊ से आ रहे थे, रास्ते में पता चला कि ऐसी बातें हैं, लोग हम लोग को सुबह बताए तो हम तुरंत यहीं आए पहुँच के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब विचारधाराओं से जो खिन्न हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए किया है, एक ही समाज के लिए नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग आपसी भाईचारा आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। चूँकि इस समय पूरे देश का शासन प्रशासन इतना डिस्टर्ब हो चुका है, न कोई शासनात्मक कार्रवाई हो पाती है अपराधियों के खिलाफ, अपराधी नंगे और बेहिचक घूम रहे हैं हर जगह, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पूरे भारत में ही नहीं, चाहे वहाँ मतलब राजस्थान की घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो,
चाहे हाथरस की घटना हो और सब चाहे वेस्ट बंगाल की घटना हो, हर घटनाओं को देखते हुए अपराधी बेअंदाज हो चुके हैं और बेखौफ घूम रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है, देश के हर कोने कोने में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं बराबर आए दिन देखी जा रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सोच रहे हैं कि दलित समाज लोग, चमार समाज लोग हमारा कर ही क्या पाएंगे, मेन चीज़ यही है। आज का जो घटना हुआ है ये क्या मांगा थी, मतलब है हमारी मांग तो चूँकि अब हम मांग के क्या करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, बसते रह गई बात। हमारे यहाँ जो आपसी भाईचारा कायम रहे, बाबा साहब प्रतिमा को फिर चेंज कर दिया जाए, शासन प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, यहाँ यह बात नहीं है। लेकिन चूँकि हम लोग मुस्तैद हैं इसलिए शासन प्रधान खड़ा है, अगर मुस्तैद नहीं होते तो हम लोग शासन प्रधान शायद नहीं खड़ा होता। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ की जो भी अब सरकार से क्या मांगे करे, सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, बस यहाँ का सौहार्द भाईचारा आपस में बना रहे और यहाँ हमारा भाईचारा बिगड़े ना बस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, ये मूर्ति टूटने को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। मैम सबसे पहले अपने परिचय दीजिए आप। राम बाबू नाम है, छासिंग अली आदेश काली जाजमगढ़। आज यहाँ पर आए हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से आज मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, इसके बारे में क्या कहना है? तो बहुत ही दुखद घटना है कि आज दो जगह मूर्ति रात में तोड़ी गई है, जबकि डहर में और पाती में तोड़ी गई है। ऐसी बताइए, मनवादी लोग अभी सुधर नहीं रहे, आए दिन ऐसी घटना हो रही है। हम लोग यहाँ मांग करते हैं कि नई मूर्त लगे, सीसीटीवी कैमरे लगे, ताकि यदि लाइट की व्यवस्था हो, ताकि आए दिन दोबारा ये घटना रही। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर एक साथ दो मूर्ति को टूटना, क्या संदेश जा रहा है इससे? संदेश ये जा रहा है कि मनवाड़े लोग मानने के लिए भी नहीं तैयार हैं। मैं चाह रहा हूं कि यहां के प्रधान और जो प्रशासन है वो जल्द से जल्द यहां पर लाइट और मूर्त की व्यवस्था करें। अभी अक्सर करके देखा जाता है और भी जगहों पे इस प्रकार की घटनाएं अक्सर करके होती रहती हैं, सुनने को मिलता है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर देखिए, ये कहना है कि जो मनवादी हैं वो भी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के चाहने वाले हैं। अगर ये घटना आज यहाँ हुई है इससे हम लोग क्षतिग्रस्त हैं। अगर आज प्रशासन यहाँ मूर्त और सारी व्यवस्था नहीं होती, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सुनील कुमार नाम है, मैं आजाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ पे आए हैं, जैसा कि आपको अवगत हो गया होगा कि यहाँ पे जो मूर्ति टूटी है। जी ये अभी सुबह हमको 6 बजे मालूम पड़ा। हम ये इसके बगल में भी पाती भैंसापुर में भी ये घटना हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा को एक साथ दो मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, इस पे क्या कहना? देखिए, ये साजिश है समाज को लड़ाने की, समाज को एक तरीके से उग्र बनाने की, युवाओं से मुकदमा करने की, ये विरोधियों की साजिश है और इसको हम लोग भली बात समझते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से इतना शासन या प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कृत्य होगी तो जान लीजिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम चाहते हैं कि देखिए, डिमांड है सरकार से भी और प्रशासन के भी लोगों से कि एक नई प्रतिमा का यहाँ निर्माण हो, दूसरी बात नई ग्रिल लगाई जाए, और तीसरी बात सीसीटीवी कैमरा, और चौथी बात लाइट की व्यवस्था हो। अक्सर करके देखा जाता है ये जो घटनाएं होती हैं ये हमेशा होती ही रहती हैं। देखिए, क्या इस तरह प्रशासन क्या नाकाम रहता है? अब देखिए, ये प्रशासन की नाकामी कहिए या शासन की नाकामी कहिए, सबसे बड़ी बात शासन नाकाम है। शासन के प्रति लोगों के दिल में डर नहीं है। लोगों के दिल में अगर डर होता तो आप समझिए ऐसी कृत्य नहीं होते। और ये आपके माध्यम से इतना ही बता देता हूँ कि अगर ऐसा होता रहा तो समझ ले भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि बाबा साहब इस देश का संविधान निर्माता की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, तो समझ लीजिए कितनी बुरी कृत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।